जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। उमरिया जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो गई हैं। जिले का जिला अस्पताल 300 बिस्तरों का है, मगर बुनियादी सुविधाओं का आज भी टोटा है। मरीजों को डॉक्टरों की कमी का खामियाजा आए दिन भुगतना पड़ता है, तो वहीं प्रबंधन की लापरवाही का शिकार भी ये मरीज हो जाते हैं। मामला उमरिया जिले के जिला अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं। यहां डॉक्टरों का ना होना सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। सरकार कहती तो जरूर है, परंतु हर बार चुनावी बिगुल बजाकर उमरिया की जनता को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, और यही कारण है कि मरीज अपना इलाज बड़े शहरों में जाकर कराने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के मंत्री विधायकों को अपनी राजनीति चमकाने और राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत ही नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर गरीब जनता से केवल छलावा किया जा रहा है। जिला अस्पताल के बिगड़ते ढांचे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है, और घोषणावीर मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि हमने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जबकि उमरिया जिले में डॉक्टर ही नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर अपनी सफाई पेश करते हुए सिविल सर्जन सालों से पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे में मची लूट और भर्राशाही पर ना तो कड़ी कार्रवाई हो सकी है, और ना ही सरकार ने इसके लिए कोई कड़े प्रावधान निकाले हैं। प्रदेश के मुखिया ये कहते नहीं थकते कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर से और भी बेहतर होती जा रही हैं, जबकि ये किसी से नहीं छुपा है कि बदहाल कमजोर हो चुकी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खामियाजा यहाँ की आम जनता और गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। जब जिला नहीं था या जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी ज़िले में कम 8 विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उसके अलावा उनके जूनियर डॉक्टर थे। आज 60 के आसपास डॉक्टरों की स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके उसके स्थान पर मुश्किल से 5 या 6 डॉक्टर हैं। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी दोबारा जब सरकार उन्होंने बनाई, तो आधी से ज़्यादा जो बैठकें की हैं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की हैं। इसका मतलब यही है कि उनका केवल जबानी जमा खर्च है, और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में भी हमारे लोग क्षेत्र की जनता बिना इलाज के मर रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। बेडेड हॉस्पिटल था, अभी ये 200 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो HR है हमारे पास अभी नहीं है पर्याप्त। हमारे यहाँ कायदे से 30 स्पेशलिस्ट होने चाहिए और प्लस 1 डेंटल स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो 31 स्पेशलिस्ट में सिर्फ हमारे यहाँ 4 ही स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और हमारे यहाँ 19 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टेड 13 पोस्टेड हैं, उसमें भी कुछ लोग PG करने के लिए चले गए हैं। तो डॉक्टर ड्यूटी में हमारे सिर्फ 6 डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पे ड्यूटी करते हैं। सर, तो आपके द्वारा क्या पत्राचार किए गए शासन? भोपाल से समय समय पर जानकारी मांगी जाती है HR के बारे में, तो वहाँ पे उनको अवगत कराया जाता है। सर, लोगों की जांचों के लिए जो भी टेक्निकल मशीनें हैं उनका अभाव है? देखिए, पैथोलॉजी में तो साइंस हाउस वालों ने आउटसोर्सिंग से कर लिया है। अभी CT स्कैन प्लांट लगने वाला है, PSA प्लांट भी, इसका भी काम प्रचलन में, हमारे ऑक्सीजन की पूरी पूरी सुविधा हो जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।